सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और हम लोग अब कहाँ जा रहे हैं? वैंकूवर हम लोग जा रहे हैं। वैंकूवर जो है वो वेस्टर्न कनाडा का पार्ट है और ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में आता है, और यहाँ की तीसरी सबसे बड़ी सिटी है कनाडा की, टोरंटो और मॉन्ट्रियल के बाद। एक्चुअली वैंकूवर बहुत कॉस्टली सिटी है, तो वहाँ के जो ट्रिप्स होते हैं वो 700-800 डॉलर पर हेड के हिसाब से आता है सबका कॉस्ट। बट हम लोग ट्राई ये करेंगे कि 1000 डॉलर के अंदर अंदर निपटानी है ट्रिप, तो देखते हैं वो हम कर भी पाते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में आप अभी देखोगे कि हम लोग एडमंटन की जो LRT है उससे जाएंगे, हवाई जहाज़ से जाएंगे, वाटर फेरीज से जाएंगे, और वैंकूवर की स्काई ट्रेन से भी जाएंगे। उसके अलावा हम लोग लिन कैनियन सस्पेंशन ब्रिज जाएंगे, फ्लाई ओवर कैनेडा, वैंकूवर एक्वेरियम, ये सारा करेंगे, स्टैनली पार्क, और एक क्या चीज़ देखनी है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेरी ब्लॉसम्स देखेंगे। तो ये भी एक बकेट लिस्ट आइटम है हम लोगों का, जैसे हम लोगों ने ऑरोरा को टिक कर दिया है, तो अब हमें इसको टिक करने का टाइम आ चुका है, और हम लोग 1.5 घंटे में वैंकूवर पहुंचेंगे। बट क्योंकि वैंकूवर खुद ही 1 घंटे पीछे है एडमंटन से, तो घड़ी के हिसाब से तो आधा घंटा ही लगेगा, बट एक्चुअल 1.5 घंटा लगेगा। फिर आज ही हम लोग शुरू कर देंगे हमारा पहला एक्सपीरियंस जो यहाँ आज का होगा, वो होगा फ्लाई ओवर कैनेडा। सो स्टे ट्यून्ड। एंटरिंग प्रूफ ऑफ पेमेंट एरिया, ठीक है। हम लोग एडमंटन के मेट्रो स्टेशन पे आ गए हैं, बिल्कुल सन्नाटा। राजीव चौक को मिस कर रही हो? राजीव चौक, ये पूरा ETS की सर्विसेज हैं, जिसकी बसें भी चलती हैं, तो आर्क कार्ड वगैरह सब इसमें चल जाता है। आओ बीच वाले में आओ। Push to open door. Century Fox Station. No. How? Tap. 747. आओ पीछे चलो, पीछे गेट नंबर 54 वेस्ट जेट वैंकूवर हो रहा। एयरपोर्ट पहुंच गए हैं सिक्योरिटी वगैरह क्लियर करके, और जो एयरपोर्ट वाली जो बस थी 747 उसमें एक्चुअली $5 लगता है, बट हम लोग की किस्मत अच्छी थी कि उनका जो टैप इन जो था उसमें सर्विस एरर आ रही थी, आउट ऑफ सर्विस आ रहा था, तो हम लोग का 2.75 ही लगा। दो तीन सस्ते फ्लाइट चलती हैं यहाँ से, फ्लेयर, लिंक्स और सूप, बट वेस्टजेट जो है वो थोड़ी बड़ी एयरलाइन है। $230 में टू एंड फ्रो दोनों का वेस्टजेट। तो जहाँ वैंकूवर जा रहे हैं वो यूजुअली कंसीडर की जाती है दुनिया की सबसे सुंदर सिटीज़ रहने के लिए जो है, वो देखते हैं कैसा रहता है, हमें कैसी लगती है। एक्साइटेड? Where is the way for the SkyTrain station? SkyTrain, it's go exit through the big doors and keep going to the left and go. Okay, thank you.
से नो रिटर्न पॉइंट है फॉर आर ट्रेन टू द सिटी। 3:30 बजे चले थे एडमंटन से और 4:05 हुआ है, हम लोग वैंकूवर पहुंच गए हैं। 1.5 घंटे की फ्लाइट थी, अब हम लोग यहाँ से फटाफट जाते हैं कनाडा लाइन जो यहाँ की स्काई ट्रेन मेट्रो है वहाँ पर जाके उसको पकड़ के जाएंगे डाउनटाउन होटल। ट्रेन स्टेशन पर ही कियोस्क मशीन्स होंगी जिसमें हमें टिकट्स पासेस और कंपास कार्ड जो यहाँ पर चलता है जैसे एडमंटन में आर कार्ड चलता है उसी तरह यहाँ पर कंपास कार्ड चलता है, उन सब के कियोस्क जो हैं वहीं पर हमें मिल जाएंगे स्टेशन के पास। ये लोग जो है अपनी दिल्ली में जैसे मेट्रो होती है उसको स्काई ट्रेन बोलते हैं, बस नाम फैंसी है, सारा हिसाब किताब जहाँ तक वैसा ही होगा। YBR स्टेशन से हम लोग कैनेडा लाइन नाम की जो जैसे अपनी ब्लू लाइन येलो लाइन होती है उसी तरह कैनेडा लाइन है, कैनेडा लाइन हम लोग पकड़ेंगे ट्रेन टू द सिटी। ये रहा वैंकूवर, तो यहाँ भी वही हिसाब किताब रहता है जैसे अगर आप कंपास कार्ड लोगे तो आपका $2.5 पर राइड लगेगा, उसमें 90 मिनट का ट्रांसफ़र मिलता है, और अगर नहीं लोगे तो 3.5 के आसपास का जाता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि कंपास कार्ड ले लें। एक इन्फॉर्मेशन मेन ये है कि अगर आपको दिन में कई बार मतलब यहाँ के ट्रांजिट ट्रांसलिंक बोलते हैं उसको अगर पकड़ना है तो आप डे पास ले सकते हो, डे पास को $11 का रहता है, उस पर फिर आप अनलिमिटेड दिन में कितने भी ट्रैवल कर सकते हो। स्टोर वैल्यू लेते हैं $10 का लेते हैं। रिसीट भी निकाल लेना। हम लोगों ने अभी कंपास कार्ड ले लिया है इस मशीन से, यहीं के यहीं सब वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, तो हम लोगों ने $10 उसमें डाल के $6 का कार्ड है, $6 भी रिफंडेबल है। जब वापस जाने लगेंगे तो वाटर फ्रंट स्टेशन जो यहाँ का है वहाँ पर देख के जितनी भी वैल्यू इसमें बची होगी और जो $6 है वो हर कार्ड का वापस मिलेगा। कंपास कार्ड ये रहा, अब चलते हैं स्काई ट्रेन की तरफ। से जाके हमें हाँ सिटी सेंटर कहाँ गया, हाँ सेकंड लास्ट सिटी सेंटर पर हमें आगे चलो एकदम कोई बात नहीं, चलो चावड़ी बाजार, चावड़ी बाजार, चावड़ी बाजार। Oh wow, I love this city. यार मजा आ रहा है। मैंने मेट्रो रीजन से बाहर आके पहला कदम रखा और लुक एट द व्यू, इंसान दिख रहा है ना, इंसान दिख रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है इंसान देख के मुझे। हाँ, आने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है कंपास कार्ड को रजिस्टर करना होगा, तो कंपास कार्ड की जो वेबसाइट है उसमें आप अपना कंपास कार्ड का नंबर जो पीछे लिखा होता है और एक पिन लिखा होता है उसको डाल के आप रजिस्टर करो तो सारी चीज़ें वहाँ पर शो होने लगती हैं। देखो फाइनली ऐसी जगह आ गए जहाँ पर इंसान भी दिखाई देते हैं। एडमिंटन में हमारा बस स्टैंड होता है वैसे ही है, बोर्ड पे लिखा रहता है सारा इन्फॉर्मेशन। अरे हमें वहाँ चलना है, वहीं जाना पड़ेगा जहाँ तक है, देखता हूँ।
I have a booking here. बढ़िया तो भाई ये हमारा होटल का रूम छोटा सा है और सफिशिएंट है, मतलब कि रुकने के लिए अच्छी जगह है और लोकेशन इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है आप कह लो तो। लोकेशन बिल्कुल ही कोर डाउनटाउन में है ये और हर चीज़ यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, सब कुछ है यहाँ पर, वॉशरूम्स वगैरह है और एक छोटी सी विंडो भी दे रखी है, व्यू नहीं है बस विंडो है। होटल का नाम है बार्कले होटल, जैसा आपने वीडियो में देखा होगा। इस रूम का जो टोटल कॉस्ट हमें पड़ा है वो पड़ा है $308 ओनली, तो तीन रात का करीब $308 पड़ा है, $89 पर नाइट के हिसाब से था। और ये इतनी सही डील है, मतलब ट्रस्ट करो कि अगर आप यहाँ से हॉस्टल भी कराते हो, मतलब कि जो बंक बेड्स होते हैं वो तक $90 या $110 के इस टाइम मिल रहे थे। रेफ्रिजरेटर वगैरह भी है, एक छोटा सा टेबल है वर्क स्पेस टाइप का। अब यहाँ से हम लोग सेट होके निकलते हैं बाहर। बाहर आपने देखा होगा कि हो रही है बारिश, क्योंकि ये वैंकूवर ऐसी जगह है जहाँ पर बारिश बहुत होती है, मतलब साल के बहुत ज़्यादा दिन हैं जो कि बारिश वाले रहते हैं। चलो हम निकलते हैं बाहर। और हमारा अभी टाइम जो हुआ है वो हुआ है 5:25 हुआ। यहाँ से हम लोग भाग के जा रहे हैं फ्लाई ओवर कनाडा। हमारा आज का जो पहला बढ़िया वाला एक्सपीरियंस है वो है फ्लाई ओवर कनाडा। फ्लाई ओवर कनाडा क्या है ये आपको वहीं चल के बताऊंगा, लेकिन वो जो फ्लाई ओवर कनाडा जिस जगह पर उसको बोलते हैं कनाडा प्लेस, तो कनाडा प्लेस यहाँ की बहुत ही पॉपुलर लोकेशन है। Are you guys taking a vlog? Yeah. Finally, cherry blossom. Yeah. भाई बारिश बहुत ज़्यादा ही हो रही है और चेरी ब्लॉसम एक तो जगह देखा, पर वही है कि धूप में और ज़्यादा सॉलिड आपको दिखता। आपको वेबसाइट में लिख के दूंगा, कहीं लिख के आ रहा होगा, उससे आप अगर इन मंथ्स में आते हो फेब से मई के बीच में तो चेरी ब्लॉसम को आप ट्रैक कर सकते हो डेट डाल के, उसमें वो प्रॉपरली बताता है कि किस किस एरिया के फ्लावर्स कब कब ब्लूम होने हैं। मतलब भाई शहर तो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कॉन्सेप्ट कार्स होती है ना, जैसे उसी तरह का कॉन्सेप्ट सिटी टाइप का लग रहा है और सब कुछ इतना ज़्यादा अमेजिंग और स्पेशली सिस्टमेटिक और स्पेशली ग्रीनरी का तो इतना ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि मतलब इसको यकीन सा नहीं हो रहा कि इतना सुंदर शहर कैसे हो सकता है। अब हम लोग अपना ये कनाडा प्लेस यहाँ का स्पॉट है यहाँ आ गए हैं। अनलकीली बारिश की वजह से थोड़े व्यूज़ कम आ रहे हैं, बट ये अगर आप पूरा एरिया देखो ये पूरा वाटर फ्रंट है। हेलीकॉप्टर जब तक यहाँ पर हैं, अगर एक भी दिन खुला ये आसमान तो आपको यहाँ आके वापस दिखाएंगे। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ देखने की। अभी हम लोग फ्लाई ओवर कनाडा अंदर है वहाँ पर, वहीं जा रहे हैं। ये देखो हमारे पास तो टिकट है, तो एंट्री ऊपर से राइट एंट्रेंस ऊपर है अपना 30 वाला है ना, 0 and 30 वाला। इट्स 7, सो आई जस्ट ओके जस्ट वांट टू कंफर्म दिस इज द टिकट राइट, आई बुक्ड इट फ्रॉम या Enjoy the show.
लो भाई, ये फ्लाई ओवर कनाडा यहाँ का जो है इसमें होके आ गए हैं। इसका जो टिकट था टोटल $60 के आसपास था, $60 के आसपास नहीं, $60 ही था। और ऑनलाइन बुक किया था ग्रुपॉन से, तो ग्रुपॉन वगैरह देखना अगर डिस्काउंट चल रहा है वहाँ से, बट कोशिश ये करना कि ऑनलाइन ही बुक करके आना। अपने मोबाइल में ही जो टिकट आता है बस वही दिखा के काम चल जाता है, क्योंकि यहाँ जो टिकट की लाइन है वो अच्छी खासी लंबी थी। आपने सुना होगा कि कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैं जितना दिखा सकता था उतना दिखाया आपको। उसके बाद फिर हम लोग इंस्ट्रक्शन के बाद प्री फ्लाइट एरिया में गए, और उस प्री फ्लाइट एरिया के बाद फिर जो एक्चुअल फ्लाइट वाला एरिया है, तो मतलब चेयर्स होती है और उसमें जब आप बैठते हो तो ऐसा फील आता है कि आप एक हवाई जहाज़ में बैठे हुए हो, और कनाडा की सारी जितनी सीनिक लोकेशंस हैं, बर्फ, लेक्स, पहाड़, नॉर्दर्न लाइट्स, सब कुछ, समंदर, इन सब के ऊपर से होके हम लोग, ऐसा लगता है कि हम लोग ऊपर से उड़ के जा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग था। पर यह था कि छोटी राइड थी, थोड़ी और लंबी होती तब मज़ा आता। राइड छोटी राइड थी, बट इसमें जो जो आपको बैकग्राउंड में जो जो आपको दिखेगा उसके साथ आपको वही पानी है तो पानी फेस पे आएगा, घास है तो घास की खुशबू, तो ये सारे एसेंस और थोड़ा सा 5D वाला इफेक्ट डाला है। मैं तो जब से वैंकूवर में आई हूँ यहाँ पर एक अलग सी खुशबू है। मिट्टी की खुशबू तो है ही, प्लस कुछ अलग सी एकदम बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, मे बी बिकॉज ऑफ फ्लावर्स। तो निकल लिए हैं यहाँ की एक और फेमस जगह के लिए जो है कि गेस्ट टाउन। तो गेस्ट टाउन में सबसे फेमस जो है वहाँ की स्टीम क्लॉक है। स्टीम क्लॉक दुनिया में बहुत ही कम है, तो उसमें से एक यहाँ भी है, तो वो अभी चल के हम लोग देखेंगे। और गेस्ट टाउन जो है वो वैंकूवर का भी सबसे पुराने शहरों में से एक है। मतलब जब वैंकूवर बस बनना शुरू हुआ था सबसे पहले गेस्ट टाउन ही बना था। हम लोग वहाँ जा रहे हैं, अभी दिखाते हैं आपको, बारिश का एंजॉय तो कर ही रहे हैं। ये रहे यहाँ की फेमस स्टीम क्लॉक। सब जाके फोटो खिंचवा रहे हैं। तो हम लोग अब यहाँ पर जो टाको पीनो बार था वहाँ से टाकोस और बियर, मतलब बहुत ही टेस्टी टाकोस थे। टाको पीनो टाको बार नाम है उसका। और यहाँ से हम लोग सीधे ये A&W बर्गर पे आके हम लोगों ने बर्गर पैक करा लिया है, क्योंकि अभी केवल एक एक टाको ही खाया है। अगर रात में भूख लगी तो वो बर्गर काम आ जाएगा। और हम सीधे निकल रहे हैं अब यहाँ से, पहले जाएंगे फ्रेशको जो हमारे होटल के पास ही है, वहाँ से थोड़ी बहुत आई थिंक कुकम्बर और टमाटर लेना है ना, और ब्रेड, कुकम्बर टमाटर और ब्रेड लेना है। और क्योंकि कल हम लोग जा रहे हैं एक ट्रैक पे, हाँ, तो वहाँ से हम लोग उसका सैंडविच बना लेंगे। हम लोग अब आ गए होटल वापस, काफ़ी थक गए यार आज का हो गया अपना, और बारिश नहीं बंद हो रही है, और अब हम लोग बस आराम करेंगे, फिर निकलते हैं कल कुछ नए एडवेंचर्स पे। सो स्टे ट्यून्ड।